एडमिशन ऑफ पार्टनर पढ़ रहे हैं। एडमिशन ऑफ पार्टनर पढ़ रहे हैं। एडमिशन ऑफ पार्टनर में हमने दो कॉन्सेप्ट पूरे कर लिए हैं। कॉन्सेप्ट नंबर वन क्या था हमारा? हाँ जी, कॉन्सेप्ट नंबर वन हमारा क्या था? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। कॉन्सेप्ट नंबर टू क्या पढ़ा हमने? गुडविल के दो हिस्से थे, एक था हमारा परचेज गुडविल और दूसरा क्या था हमारा? सेल्फ जनरेटेड पहला था परचेज गुडविल, दूसरा क्या था भाई? सेल्फ जनरेटेड। अब जरा इन दोनों में हमने अलग अलग सिचुएशन को समझा। अगर परचेज गुडविल होगी तो वो ऑलरेडी बैलेंस शीट में एग्जिस्ट करती होगी। क्या करती होगी? परचेज गुडविल एक तरीके से क्या है भाई हमारे? लॉस। क्या है एक तरह का? लॉस। नए पार्टनर के आने से पहले इस एग्जिस्टिंग गुडविल को हमें क्या करना होगा? राइट ऑफ करना होगा। क्या करना होगा? राइट ऑफ करने से इंपैक्ट क्या आता है? बैलेंस शीट से गुडविल यहां से माइनस होती है, दूसरी तरफ से कैपिटल माइनस होता है। गुडविल खत्म करने के लिए गुडविल को क्रेडिट करना पड़ता है, क्योंकि डेबिट बैलेंस है ना इसका, एसेट साइड पर मौजूद है, तो इसका मतलब क्या है? इसका डेबिट बैलेंस मौजूद है, तो गुडविल को क्रेडिट करना पड़ता है। और पार्टनर्स कैपिटल को क्या करना पड़ेगा? अच्छा सर, पार्टनर्स कैपिटल जो होगा वो एक पार्टनर का कैपिटल तो नहीं होगा, एक से ज्यादा पार्टनर्स ही होगा, तो किस रेशियो में होगा? मैंने आपको सिंपल सी एक बात बताई, कोई भी बैलेंस शीट की आइटम को आप खत्म कर रहे हो ना ओल्ड रेशियो, क्योंकि बैलेंस शीट में वो जो एग्जिस्ट करती है या तो एसेट साइड पे करती होगी या लाइबिलिटी साइड पे करती होगी। एसेट साइड पर एग्जिस्ट करती है तो एक तरीके का लॉस है, या तो कैपिटल लॉस है जैसे गुडविल, या फिर एक्यूमुलेटेड लॉस है जो आपने लॉस कमाया लेकिन बांटा नहीं। दोनों का रिलेशन पुराने वक्त से है, और पुराने वक्त से है तो किस रेशियो में कमाया गया होगा? ओल्ड रेशियो में, तो बटना भी किस रेशियो में चाहिए भाई? लाइबिलिटी साइड पर है तो प्रॉफिट्स होंगे, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, बटेंगे किस रेशियो में कमाए गए हैं? पुरानी रेशियो में। किस में तो बटने चाहिए? पुरानी रेशियो में। समझ आती है बात? ये तो भाई सेल्फ जनरेटेड परचेज गुडविल को तो आप क्या करते हो? ओल्ड रेशियो में राइट ऑफ कर रहे हैं, और उसके लिए आप ये जर्नल एंट्री डालते हैं। सेल्फ जनरेटेड गुडविल का तो भाई पूरी कहानी समझाइए मैंने आप लोगों को। नया पार्टनर सेल्फ जनरेटेड गुडविल के पैसे लेकर आएगा, और जितने पैसे लेकर आएगा कौन बांट लेगा उसे? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स। किस रेशियो में? सैक्रिफाइसिंग रेशियो। समझ आती है बात? कभी कभी हमें समझ ही नहीं आता कि नया पार्टनर इतना पैसा लेकर आ रहा है ना, तो भाई देख लो फर्म की गुडविल कितनी है, उसमें से उसके शेयर से मल्टीप्लाई कर दो, पता लग जाएगा कितना पैसा लेकर आना चाहिए। लेकिन सर फर्म की गुडविल भी काफी रखी है, तो सिचुएशन किसकी बन गई? हिडन गुडविल। और उसी से रिलेटेड क्वेश्चन मैंने आपको कराया था प्रीवियस क्लास ले लेकर, गुडविल का टॉपिक पूरी तरीके से खत्म हो चुका है इन केस ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनर। अब जो सिचुएशन कॉन्सेप्ट नंबर तीन हम जो पढ़ने जा रहे हैं, कॉन्सेप्ट नंबर तीन जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है हमारा एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड accumulated profits and losses। मुझे बताइए, मैं आप लोगों को इन दोनों को explain करूं क्या? बताइए। देखो सिंपल सी बात है, ये आपकी बैलेंस शीट क्या है? बैलेंस शीट की ये लाइबिलिटी साइड है, और बैलेंस शीट की ये एसेट साइड है ना बच्चे। अब एसेट साइड पर सिर्फ जितने भी अकाउंट्स यहां पर लिखे होंगे उन सब का कौन सा बैलेंस होगा? डेबिट बैलेंस। और लाइबिलिटी साइड पर जितने भी अकाउंट्स होंगे सबका कौन सा बैलेंस होगा? अच्छा, जिन अकाउंट का बैलेंस बच जाता है, जिन अकाउंट का बैलेंस, वही तो बैलेंस शीट में आते हैं, वरना जिस अकाउंट में कोई बैलेंस बचा ही ना हो वो बैलेंस शीट में क्यों आएगा? और नॉर्मली सिर्फ दो ही तरह के अकाउंट्स के बैलेंसेस बचते हैं, वो कौन कौन से अकाउंट है? या तो वो एसेट अकाउंट है तो उसका बैलेंस बचता है डेबिट बैलेंस,
और लाइबिलिटी अकाउंट है तो उनका क्रेडिट बैलेंस बचता है, तो वो लाइबिलिटी साइड पर आ जाते। लेकिन कुछ अकाउंट ऐसे होते हैं जिनमें वैसे तो बैलेंस बचना नहीं चाहिए लेकिन फिर भी उनके अंदर बैलेंस बच जाता है, जैसे कि लॉसेस, जैसे कि लॉसेस का डेबिट बैलेंस होता है। सर इसका बैलेंस नहीं बचना चाहिए, क्यों नहीं बचना चाहिए? क्योंकि लॉस का डेबिट बैलेंस कहां ट्रांसफर हो जाना चाहिए? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कहां चला जाना चाहिए? और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस कहां चला जाना चाहिए? तो ले देकर लॉसेस के डेबिट बैलेंस बचने, यानी लॉसेस डिस्ट्रीब्यूट हो जाने चाहिए, आपने उनको बांटा नहीं, तो उन लॉसेस का डेबिट बैलेंस बच गया। क्या बच गया? लॉसेस का डेबिट बैलेंस बच गया। इसी वजह से वो एसेट साइड पर नजर आने लग जाते हैं। इसी वजह से कहां नजर आने लग जाते हैं? एसेट साइड, जस्ट बिकॉज के उनके डेबिट बैलेंस को खत्म नहीं किया गया, उन लॉसेस को बांट लेना चाहिए था, आपने उन लॉसेस को नहीं बांटा, इसी वजह से वो एसेट साइड पर नजर आने लग जाते हैं। अदरवाइज लॉसेस का कोई डेबिट बैलेंस एसेट साइड पर नजर आना नहीं चाहिए। लॉस जब हुआ उसे कैपिटल में बांटिए, कहानी खत्म कीजिए। आपने नहीं बांटा, डेबिट बैलेंस बचा रह गया, तभी तो उसे आपने क्या कहा? एक्यूमुलेटेड लॉसेस। क्या कहा? लॉसेस हुए हुए हैं, इकट्ठा हो रखे लेकिन बांट नहीं रखे। ऐसे होते हैं एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स। प्रॉफिट्स का कौन सा बैलेंस होता है? क्रेडिट बैलेंस। भाई उस प्रॉफिट को पार्टनर्स कैपिटल में बांटो और बांटकर खत्म करो, लेकिन आपने उन प्रॉफिट्स को बांटकर नहीं रखा हुआ, वो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है। और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है तो भाई उनका क्रेडिट बैलेंस बचा हुआ है, और क्रेडिट बैलेंस कहां पर शो होता है? लायबिलिटी साइड पे। उन्हीं को तो हम रिजर्व्स कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? ऐसे प्रॉफिट जो हो गए लेकिन हमने कैपिटल में नहीं बांटे, रोक कर रखा हूं कि सारा कैपिटल में प्रॉफिट बांट देंगे ना तो ये पार्टनर सारा खा पी के रखा कर देंगे। कुछ प्रॉफिट बिजनेस में रोक के भी रखना चाहिए, कुछ प्रॉफिट को, सारे प्रॉफिट को पार्टनर के बीच में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहिए। भाई बात समझ आती है? नहीं आती? मैंने क्या समझाना चाह रहा हूँ? तो प्रॉफिट, जितने भी अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स हैं वो आपको लायबिलिटी साइड पे नजर आएंगे, और जितने भी अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉसेस हैं वो आपको एसेट साइड पे नजर आएंगे। सो सिंपल है, बात समझ आई है? नहीं सर, इस टॉपिक को एडमिशन ऑफ पार्टनर में क्यों कवर किया गया? देखो बेटा मेरे साथ आप एक एग्जाम्पल नोट कीजिए। हाँ जी, सुनेंगे मेरी बात? देखिए भैया, दो पार्टनर्स हैं, ए और बी। ए और बी दो पार्टनर, इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था, यानी ये ओल्ड रेशियो है, यानी जब सिर्फ यही दो पार्टनर हुआ करते थे तो प्रॉफिट बांटा जाता था 1:1 के रेशियो। अब एक नया पार्टनर भी एडमिट हो रहा है फॉर्म के अंदर, वो कह रहा भाई मैं तो 1/4 हिस्सा लूंगा प्रॉफिट में, बाकी का बचा हुआ प्रॉफिट आप देख लेना, कहते पार्टनर। चलिए जी कोई बात नहीं। देखिए नया पार्टनर जब सी आ रहा है ना, तो ए और बी आपस में बातें कर रहे हैं। वो कहते हैं यार ये देखो, ये जो हमारा ये रिजर्व है, ये जो हमारे रिजर्व, यानी ये जो हमारा अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है,
ये जो हमारा अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, ये प्रॉफिट हम दोनों ने कमाया था, ये प्रॉफिट हम दोनों ने कमाया था 10 लाख रुपए। ये जो 10 लाख का प्रॉफिट है ना, ये हम दोनों ने कमाया था, ए और बी दोनों ने। समझ में आती है बात? किसने कमाया था? अब जब अगर सी पार्टनर बन गया, फॉर एग्जांपल सी पार्टनर बन गया, तो ये 10 लाख का प्रॉफिट फ्यूचर में नई रेशियो में बटेगा। किसमें बटेगा? तो ये ए को भी मिल जाएगा, बी को भी मिल जाएगा, और भाई सी का इसमें क्या रोल है जी? सी का कोई रोल बनता है इसमें? बताइए मुझे। एक फूटी कौड़ी सी को नहीं मिलनी चाहिए। अब सी आ जाता है, आप रिजर्व्स को बैलेंस शीट में ऐसे ही छोड़कर बैठ जाते हैं, कोई बात नहीं बांट लेंगे, हम ही दोनों बांटेंगे। तो भैया ऐसे नहीं होने का फ्यूचर में। सी के आने से पहले पहले इस प्रॉफिट को बांट कर खत्म कीजिए, अदरवाइज आपने अगर इस प्रॉफिट को नहीं बांटा और फ्यूचर में जाकर ये रिजर्व बटा, तो इसमें हिस्सा सी को भी देना पड़ेगा। क्योंकि अगर वो एक बार पार्टनरशिप फॉर्म के अंदर हिस्सेदार बन गया, तो फ्यूचर में जो भी होगा सब में उसका हिस्सा होगा, चाहे वो लॉस हो या प्रॉफिट, चाहे वो प्रॉफिट पुराने हो या नहीं। तो ए और बी क्या, भैया कहानी खत्म करो, इसको बाद में एंट्री करवाएंगे, यहां से रिजर्व्स माइनस करते हैं और अपने अपने कैपिटल ऐड करते हैं। समझ में आती है बात या नहीं आती? अच्छा मुझे बात बताओ, चाहे रिजर्व्स हो या कैपिटल हो, दोनों का नेचर क्या होता है? क्रेडिट। अब रिजर्व्स को घटाने के लिए क्रेडिट नेचर वाली चीज को क्या करना पड़ेगा? डेबिट करना पड़ेगा। और कैपिटल को बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा भाई? क्रेडिट करना पड़ेगा। समझ आती है बात या नहीं आती? ये रही आपकी जर्नल एंट्री, जर्नल एंट्री का रिजर्व्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, सॉरी रिजर्व्स अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल टू बी कैपिटल, रिजर्व्स अकाउंट डेबिट एस कैपिटल टू बी कैपिटल। सर रिजर्व्स 10 लाख का है, कितने का है? सर ए और बी के बीच में बांटना पड़ेगा, इसे किस रेशियो में बांटे? न्यू रेशियो, सैक्रिफाइस। भाई किस रेशियो में कमाया था? ओल्ड रेशियो में, तो बांटोगे भी किस रेशियो में? सिंपल सी बात है भाई, लॉजिक लगाना, कुछ रटना है ही नहीं। बात समझ आती है नहीं? 5-5 लाख बढ़ गया। चलो जी बड़े खुश हो गए ए और बी, ओहो आया ए, आया कहीं का सी। हाँ जी 10 लाख किसे, इसे कितने मिल गए? 5 लाख इसे मिल गए, 5 लाख इसे मिल गए, इसके 35 लाख हो गए और इसके 25 लाख हो गए। अब सी आते हैं, वो कहते हैं इतना बड़ा भी मत समझो मुझे, कभी तुम मेरे नाम से मेरी कैरेक्टर का अंदाजा लगाने लग जाओ। हाँ जी नाम ही सी है बस, माथे पे नहीं लिखो। हाँ जी एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, ये क्या है? एक तरह का accumulated loss। क्या एक तरह का accumulated loss है? जो प्रॉफिट नहीं बांटा था उसकी तो बड़ी बेचैनी हो रही थी कि यार हमने प्रॉफिट नहीं बांटा, प्रॉफिट हमने बांट लिया, नहीं बांटा तो फ्यूचर में आगे ए भी शेयर कर लेगा। ये तो 10 लाख रुपए का लॉस रखा हुआ है अपनी बैलेंस शीट में, ये भी तो तुम्हारा ही है, इसे भी तो तुमने नहीं बांटा। मैं अगर पार्टनरशिप फर्म में आ जाऊंगा, फ्यूचर में जाकर ये लॉस बांटोगे तो मेरे हिस्से भी आ जाएगी चीज, ये पनौती तुमने पाली है, ये लॉस तुम्हारा है। तो मेरे आने से पहले जैसे खुश हो गए आपने प्रॉफिट बांटा है ना, तो इसी तरह से इस लॉस को भी बांट कर खत्म करो, तब पार्टनरशिप फर्म ना होगा। समझ में आती है बात? तो भैया लॉस बांटने का तरीका क्या होगा? इधर से एडवर्टीजमेंट सस्पेंस माइनस होगा, दूसरी साइड से दोनों पार्टनर्स के कैपिटल माइनस होंगे। बताइए हाँ या ना? अच्छा एडवर्टीजमेंट सस्पेंस का डेबिट बैलेंस है और पार्टनर्स कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस है। अब इन इसको रिड्यूस करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? इसे क्रेडिट करना पड़ेगा।
डेबिट वाली चीज को रिड्यूस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसे क्रेडिट यानी एडवर्टीजमेंट सस्पेंस को क्या करना पड़ेगा आपको, क्रेडिट कितना है 10 लाख, ठीक है। और दूसरी साइड देखिए आप, और पार्टनर्स कैपिटल दोनों का क्या नेचर होता है, क्रेडिट नेचर होता है, इन्हें घटाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इन्हें डेबिट करना पड़ेगा। कुछ अलग है, सेम वही, अगर चेंज इन पीएसआर में कॉन्सेप्ट पढ़ लिया इसमें कुछ नहीं, क्योंकि नए पार्टनर का तो इसमें कोई रोल है ही नहीं, नए पार्टनर का तो इसमें कोई रोल, नया पार्टनर तो कह रहा है मेरे आने से पहले आप इसको बांट बूट के खत्म करो, चाहे तुम्हारा प्रॉफिट हो, समझ आती। तो जैसा आपने चेंजिंग पीएसआर में सीखा था, सेम एग्जैक्टली एक्युमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इसी तरीके से आपको यहाँ पर भी सीखनी है, समझ आती है बात, ये नहीं एज नंबर 5.42, एज नंबर 5.42, एज नंबर 5.42, पीएस ग्रेवाल इलस्ट्रेशन पढ़ेंगे। A and B are partners in a firm, sharing profits and losses in the ratio of 5:3. C was admitted for 1/3 share in the profits. C कितने share के लिए आ रहा है? 1/3 share in the profits. On the date of C's admission, the balance sheet of A and B showed general reserve of 60,000. General reserve कितने के show कर रहा है? ये हो गया accumulated profits 60,000. और अ बैलेंस ऑफ 20,000 इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑन द एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट, पीएनएल अकाउंट में बैलेंस है, कौन से अकाउंट में, पीएनएल अकाउंट में बैलेंस है, और पीएनएल अकाउंट में बैलेंस एसेट साइड पर है, यानी पीएनएल अकाउंट का कौन सा बैलेंस है, डेबिट बैलेंस, पीएनएल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस होता है तो प्रॉफिट अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, और पीएनएल अकाउंट में डेबिट बैलेंस होता है तो अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस, समझ आती है बात, यानी तो दोनों को हमें बांटना है भाई, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट को बांटने के लिए क्या करना पड़ेगा, प्रॉफिट का कौन सा बैलेंस होता है, क्रेडिट, उसे बांटने के लिए उसे खुद को तो डेबिट करना पड़ेगा, जैसे जनरल रिजर्व कितने का 60,000, और पार्टनर्स के कैपिटल को क्रेडिट करना पड़ेगा, क्योंकि देखो प्रॉफिट की वजह से कैपिटल इंक्रीज होता है, और कैपिटल बढ़ाने के लिए कैपिटल को क्रेडिट करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो बताइए जरा, ए का कैपिटल और बी का कैपिटल, हाँ जी बच्चे बताना बेटा मुझे, ए और बी के कैपिटल को किस किस अमाउंट से बढ़ाऊं, ओल्ड रेशियो है 5:3, तो 60,000 के पहले 8 हिस्से होंगे, 60,000 के पहले कितने होंगे भाई, 8 हिस्से, बताइएगा कितने का आ रहा है, 60,000 डिवाइड बाय 8 कर लेते हैं ना, हाँ जी कितना आया बताइए, 60 टाइम्स में आता है सर, 8 की टेबल में 40 आता है, 48 आता है, 56 आता है, 8 टाइम्स में 4 बज जाते हैं, इधर आ जाता है, नहीं 56 7 टाइम्स में आता है, ये आ जाएगा 7500, यानी हर एक शेयर 7500 का है, 3 इसको मिलने हैं, 5 इसको मिलने हैं, तो ये हो गया 22,500,
किसको मिल जाएंगे 22,500, बी को 22,500 मिल जाएंगे, तीन इसके आने ना। बाकी जो बचे हुए मिल जाएंगे कितना आ रहा है 47,000। मेरी मैथ्स में दिक्कत नहीं हो रही है, 37,000 ठीक है। अच्छा एक लॉस है, लॉस खुद तो क्रेडिट हो जाएगा और पार्टनर्स कैपिटल को क्या कर देगा, लॉस की वजह से कैपिटल रिड्यूस होता है ना। बीस हजार के आठ हिस्से करिए, 2500 का एक आ रहा है ना, तो 7,500 इसे मिल जाएंगे और 12,500। सो सिंपल, बताओ इससे आसान काम कुछ और होगा। आगे बढ़ते तो भाई आपको मालूम है, मैंने पहले भी आपको समझाया था कि रिजर्व्स दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं जनरल यानी नॉन स्पेसिफिक, है ना, किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए नहीं बने, यानी जब ये प्रॉफिट नहीं बांटा था ना हमने, तो बांटने के पीछे कोई रीजन नहीं था स्पेसिफिकली कि अगर कोई लॉस हो गया तो कहां यूज करेंगे कहां नहीं यूज करेंगे, बस रोक लिया था, नॉन स्पेसिफिक रीजन था। लेकिन कुछ रिजर्व्स किसी स्पेसिफिक रीजंस की वजह से रुक जाते हैं। आपने थर्ड चैप्टर में जब मैं आपको चेंज इन पीएसआर पढ़ा रहा था, उस चैप्टर में भी मैंने दो तरीके के रिजर्व बताए थे स्पेसिफिकली, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, वो प्रॉफिट क्यों रोक कर रखा गया था, क्योंकि वर्कमैन को अगर कंपनसेट करना पड़ा तो उस रिजर्व से कंपनसेट कर दे। या फिर क्या था, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, कि अगर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू गिरी और लॉस हुआ तो उस लॉस को कैपिटल से माइनस नहीं करेंगे, कहां से माइनस करेंगे, रिजर्व से माइनस। समझ आती है बात क्या नहीं? तो दो स्पेसिफिक तरीके के आपको रिजर्व बताए थे, और वही दो तरीके के रिजर्व स्पेसिफिक रिजर्व मैं आपको इस चैप्टर में भी बताऊंगा। बस ये मत समझ लेना कि स्पेसिफिकली वही दो स्पेसिफिक रिजर्व होते, तुम्हारे चैप्टर में ही वो दो समझाए गए, बाकी कोई भी रिजर्व अगर किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए बनाया जाता है तो क्या कहलाता है, वो स्पेसिफिक रिजर्व। समझ आती है बात क्या नहीं आती? तो मैं बात करता हूं सबसे पहले वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इसकी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। आप सभी को शायद याद हो या ना हो, मैं फिर भी आपको याद दिला देता हूं। रिजर्व कोई भी हो, रहेगा तो क्रेडिट साइड पे ही आया, रहेगा तो लाइबिलिटी साइड पर ही ना। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 1,00,000 का, कितने का है, 1,00,000। आप जब भी रिजर्व की बात करो ना, तो पहले ये मत सोचा करो कि वो स्पेसिफिक है या स्पेसिफिक नहीं। रिजर्व को देखते ही बस एक बात दिमाग में आनी चाहिए, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट क्या है, रेशियो चेंज हो रही है, पुरानी रेशियो में बांट देंगे, नया पार्टनर आ रहा है पुराने पार्टनर में बांट देंगे। समझ आती है बात, बस सोच देखते ही रिजर्व को एक ही दिमाग में आनी चाहिए, पुराना पार्टनर पुराना प्रॉफिट बढ़ जाएगा। लेकिन अगर स्पेसिफिक रिजर्व है तो ये सोच लेना जरूरी है कि भाई कहीं इसका कोई यूटिलाइजेशन तो नहीं है, कहीं इस रिजर्व को हमें यूज तो नहीं करना पड़ जाएगा। अगर कुछ रिजर्व को हमें यूज करना पड़ जाएगा तो उसे वहां यूज कर लेंगे और बाकी के रिजर्व को क्या कर देंगे, बांट देंगे, एज सिंपल एज दैट। समझ आती है बात, जैसे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व ये आपने क्यों बनाया, बनाया क्यों था, वर्कमैन को कंपनसेट करने के लिए। अब आपको आपके जो भी वैल्यूअर है यानी जो भी बंदा है उसने बताया, देखो भाई सर जी आपको ना वर्कमैन के कंपनसेशन का क्लेम देना पड़ सकता है, क्लेम देना, आपने 1,00,000 का बना रखा है, आप ये मानकर चलो भाई 20,000 रुपए तो आपको देने ही देने, मैं गारंटीड होता हूँ। पास्ट में हम देख के आए, हमारे फैक्ट्री में लोगों को चोट लगी जाती है और इतना पैसा तो आपको जेब से निकालना ही पड़ेगा, तो आप क्या कहोगे, ठीक है भाई 20,000 रुपए को नहीं बांटता और 80,000 को बांट लेता।
अब अगर आप 20,000 को नहीं बांटना चाहते तो 20,000 को यही छोड़ना पड़ेगा, इसी यही छोड़ना पड़ेगा कैपिटल के अंदर। हाँ जी, कैपिटल के अंदर आप 20,000 नहीं लेके जा सकते, आप कैपिटल में सिर्फ कितना ले जा सकते, तो बाकी का 20,000 क्या करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। लेकिन उसका नाम आप वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व नहीं होगा, क्या होगा, प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन, क्या नाम होगा। तो लाइबिलिटी साइड पर ही 20,000 रुपए छोड़ने पड़ेंगे और 80,000 रुपए कैपिटल में भेजने पड़ेंगे। अच्छा एक बात बताओ, ये तीनों चीजें लाइबिलिटी साइड पर ही है, और आपका जो घट रहा है वो क्या है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, और जो इंक्रीज हो रहा है, एक तो कैपिटल इंक्रीज हो रहा है और प्रोविजन वर्कमैन कंपनसेशन। तो लाइबिलिटी साइड की तीनों चीजों का नेचर क्रेडिट नेचर होता है, क्या होता है, जो चीज घटा रहे हो उसे डेबिट करना पड़ेगा, जैसे कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, और जो चीज बढ़ा रहे हो उन्हें क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा, जैसे कि कैपिटल और प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन। अच्छा, ये जो कैपिटल को आप बढ़ाओगे, ये एक पार्टनर की कैपिटल तो बढ़ाओगे, पुराने पार्टनर्स का प्रॉफिट है पुराने रेशियो में ही बढ़ेगा, ओल्ड रेशियो के अंदर आप इसे बढ़ाते हैं। समझ में आती है बात, ये नहीं आती, बहुत सिंपल हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। चलिए इसी बात पर हम देखते हैं, इलस्ट्रेशन 43। आप लोग सॉल्व नहीं करेंगे बैठ के, सॉल्व आप घर पे करें आराम से, तसल्ली। अभी सिर्फ आपको क्या करना है, देखना है, चाहे तो आप अपनी बुक देख सकते हैं, चाहे तो आप बोर्ड देख सकते हैं, जो आपका मन करे वो देख सकते हैं। इलस्ट्रेशन 43, तीन पार्टनर्स है भाई, राम, मोहन, सोहन। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, 4:20। इन्होंने रोहन को एडमिट किया और रोहन कह रहा है मैं 1/5 शेयर लूंगा प्रॉफिट में, ठीक है भाई, ले लू। एन एक्सट्रैक्ट ऑफ देयर बैलेंस शीट, बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट, पूरी बैलेंस शीट नहीं, सिर्फ एक छोटा सा टुकड़ा जो हमारे लिए फिलहाल इंपॉर्टेंट है, पूरी बैलेंस शीट की बात नहीं हो रही। कभी आप सोचो सर इनकी बैलेंस शीट तो मैच भी नहीं हो रही, बुक वालों को भी बैलेंस शीट मैच नहीं करनी आती है ना, उन्होंने बैलेंस शीट लिखी ही नहीं, बस उतनी इंफॉर्मेशन लिखती जो आपके लिए जरूरी थी। और आप देखेंगे नीचे बैलेंस शीट ना आपको सिर्फ एक ही चीज नजर आ रही है लाइबिलिटी साइड पर, जिसका नाम है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 90,000। समझ आती है बात, जैसे ही मैंने देखा इसे नया पार्टनर आ रहा है, पार्ट दो, 4:3:2 की रेशियो में बांट दो, 40-30-20, चलो जी एक तेरा दो मेरा, ठीक है ना, सारी कहानी खत्म। लेकिन ये रिजर्व कैसा है, हाँ जी, ये रिजर्व कैसा है, स्पेसिफिक रिजर्व। तो भाई देखो स्पेसिफिक रिजर्व है ना, ये देख लो ये इस स्पेसिफिक रिजर्व के लिए कोई लाइबिलिटी तो नहीं। तो हम देखते हैं, शो द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व ऑन द एडमिशन ऑफ रोहन अंडर द फॉलोइंग अल्टरनेटिव केसेस। तीन केसेस हैं, सबसे पहला कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा, यानी कुछ बता ही नहीं रहा, बांटो और खत्म करो, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को डेबिट करो 90,000 से। और कौन कौन थे ये, हाँ जी, राम मोहन बांटो खत्म करो, क्या रेशियो देंगी पुरानी, 4:3:1, 40,000 इसे दो, 30,000 इसे दो, 20,000 दे दो, चलो जी काम खत्म। अच्छा बैलेंस शीट में क्या होगा, बैलेंस शीट में से रिजर्व्स खत्म हो जाएगा और कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी, बताओ हाँ या ना, समझ आती है बात या नहीं। पहले ट्रीटमेंट तो बहुत ही आसान है भाई। दूसरे में कहते हैं इफ अ क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन इज एस्टिमेटेड एट 45,000, 45,000 रुपए का क्लेम है, क्या है भाई, 45,000 रुपए का क्लेम है वर्कमैन कंपनसेशन। तो भाई देखो अगर क्लेम है तो आप सारा रिजर्व नहीं बांट सकते, आप सारा रिजर्व, आपको 45,000 से क्या बनाना पड़ेगा, प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन बनाना पड़ेगा। अब बाकी के बचे हुए 45,000 को आप बांट सकते हैं, कौन बांट लेगा, राम, मोहन और समझ आती है बात ये नहीं आती, किस रेशियो में, यो रेशियो में, इनको 20 मिल जाएंगे, इसको 15 मिल जाएंगे, सिंपल से बात है, बताओ जी समझ आती है नहीं आती, एनी प्रॉब्लम। अच्छा इसमें क्या होने वाला है, बैलेंस शीट देख लो, ये बैलेंस शीट है, ये वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 90,000 हुआ करता है, कितना हुआ करता था,
डबल इंपैक्ट क्या होगा, एक तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व खत्म हो जाएगा और पार्टनर्स के कैपिटल राम मोहन और सोहन इन तीनों के कैपिटल 90,000 से बढ़ जाएंगे, राम का 40 से बढ़ेगा, इसका 30 से, इसका 20, ऐसे ही होगा। किस सिचुएशन में क्या होगा, जो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है 90,000 ये खत्म हो जाएगा, लेकिन राम मोहन और सोहन इनका कैपिटल तीनों का किस अमाउंट से बढ़ेगा, ओनली 45,000। तो सर 90 घटा 45 बढ़ा, 45 कहां गया, मैं वो लिखूंगा प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन के नाम से। समझ आती बात है, बताइए मुझे एनी प्रॉब्लम। डबल एंट्री दिख रही है आपको, डबल इफेक्ट आता हुआ दिख रहा है आपको, बैलेंस शीट बराबर रख रही है लग रही है आपको। तीसरी सिनेरियो, तीसरी सिनेरियो, हाँ जी, ये कहते हैं वर्कमैन कंपनसेशन का क्लेम 99,000 है, कितना है 99,000। नाउ इट विल क्रिएट प्रॉब्लम फॉर अस, आपको प्रोविजन कितने से बनाना पड़ेगा 99,000, यहां से कितना माइनस करोगे 90, यहां पर आपने 99 बढ़ा दिया, बाकी का 9,000 कहां से लाओगे, कैपिटल से, बाकी का 9,000 कहां से लाना पड़ेगा, इधर से 90, इधर कैपिटल 9, और टोटल मिलाकर 99 बढ़ाना पड़ेगा। ये तो उल्टा भद गया भैया, प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन जो आने वाला है आपका वो कितने से आएगा 99, लेकिन सिर्फ रिजर्व हमारे पास कितना है 90। तो सर कैपिटल को भी डेबिट करो फिर, लेकिन कैपिटल को डेबिट करने से पहले किसको डेबिट करना पड़ता है, अच्छा कैपिटल डेबिट कैपिटल होना चाहिए, लेकिन उसके बिहाफ पर हमने किसे डेबिट किया, बाद में जाकर आप कैपिटल को डेबिट कर देंगे और रीवैल्यूएशन को क्रेडिट। और 4,000 ओल्ड रेशियो में ही होगा भाई, 3,000 सब प्रीवियस वन है, पिछले चैप्टर का कुछ भी नया नहीं है। बताओ जी बात समझ आती है, नहीं आती, इज देयर एनी प्रॉब्लम, सीधा आज मैंने बड़ा कीड़ा मकोड़े बना के लिखा, समझ आ गया ना आपको, बस मैं थोड़ा जल्दी खत्म करना चाह रहा हूँ क्योंकि इसमें टाइम लगाएंगे, कोई वेस्टेज ही है क्योंकि चेंज इन पीएसआर के अंदर हम ये सारी ऑलरेडी चीजें पढ़ चुके, समझ आई बात। अच्छा मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट कर सकता हूँ, कर दू, वैसे तो लायक नहीं हुआ, देखो एक काम करना, जो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है ना आप खुद से पढ़ लीजिए प्लीज, आप चेंज इन पीएसआर निकालिए, उसमें आपने पढ़ा ये इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, सारे नोट्स भी बनवाए हैं, आप उसे वहां से पढ़िए, सेम यही चीज यहां पर, नए पार्टनर के आने से पहले इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को क्या करना है, पार्टनर है, बस ये देखना है कि मार्केट इन्वेस्टमेंट की वजह से कोई लॉस ना हो, अगर इन्वेस्टमेंट की वजह से कोई लॉस है तो पहले उस लॉस को घटाएंगे, बाकी का इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व पार्टनर के बीच में, कोई लॉस नहीं है तो सारा का सारा बांट देंगे, लॉस ज्यादा हो गया तो भैया रिवैल्यूएशन से आ जाएगा, समझ आती है बात, एनी प्रॉब्लम, अगर आप में से किसी को दिक्कत आती है तो आप उससे पूछ सकते हैं, समझ में आती है, ताकि मैं नेक्स्ट क्लास में क्या स्टार्ट करा सकूं रीवैल्यूएशन, और रीवैल्यूएशन को दो क्लास में क्या कर सकूं, ताकि हम अपनी पार्टनरशिप की बुक को क्या कर सकें, अलविदा, ठीक है ना, फिर हमारे पास क्या रह जाएगा कराने के लिए, बची हुई दो बुक्स रहे हैं, पूरा फोकस एक जगह पर जाता बेहतरीन करके, इस मंथ के अंदर 20 दिन मुझे ऐसे दे दो, मैं शेयर कैपिटल आपको पढ़ा दूं भाई साहब, ना आप कहोगे हाँ जी पढ़ाया तो सर शेयर कैपिटल पढ़ा, वरना पढ़ाई नहीं कुछ, पर आपको ये करना पड़ेगा है, समझ आती बात, निकम्मा पन छोड़ना पड़ेगा। मैंने आपको बीएसटी की क्लास में भी डिस्कस किया था एक चीज, कि हम पूरी जान लगा देंगे एमसीक्यू पैटर्न के ऊपर, समझ आई बात, लेकिन आपको थोड़ा मेरे अकॉर्डिंग काम करना पड़ेगा, समझ आती बात, तो जितना गाय उतना कर रहा हूँ, होमवर्क दे दू, होमवर्क दिया था मैंने पिछली क्लास में, दो तीन बच्चों ने होमवर्क मुझे करके भी दिया और बहुत बढ़िया काम किया उन्होंने, अरे एक भी गलती नहीं है, बहुत खुश थे, पता नहीं आप लोगों ने क्या करा,